तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जायकेदार चिकन कोरमा की रेसिपी। वैसे तो चिकन कोरमा बनाने के अलग अलग तरीके रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मसाले डाल के चिकन कोरमा बनाया जाता है, पर आज मैंने बहुत ही सिंपल और सरल तरीका बताया है चिकन कोरमा बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 चिकन लेग पीस लिए है, इसे अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लिया है। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप दही, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है चिकन कोरमे के अंदर। 1 बड़ा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच चिकन मसाला, अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर गरम मसाला भी डाल सकते हो, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 कटा हुआ नींबू का रस डाल देंगे। तो नींबू का रस निचोड़ने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से एक साथ मिला देना है। ये जो हमने सारे मसाले, दही और नींबू का रस डाला है और चिकन के पीस के अंदर तक जाए और चिकन के पीस खाते समय इसका स्वाद बढ़िया है, इसलिए हमें करना क्या है, इसके ऊपर प्लेट रख के 1 घंटे तक फ्रिज के अंदर रख देना है। चिकन की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए 7-8 काजू, 7-8 बादाम को पानी में भिगो के रखा है और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्याज को हमें गरम तेल के अंदर डालने के बाद ब्राउन कलर होने तक तल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को तेज आंच पे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से तल लिया है। आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, काला होने तक, नहीं तो ग्रेवी में कड़वाहट आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने तली हुई प्याज को एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल दिया है और थोड़ी सी तली हुई प्याज में प्लेट के अंदर निकाल के साइड में रख दूंगी, इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे ये भिगोए हुए काजू और बादाम। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ताकि अच्छी तरह से पीस के इसका पेस्ट तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अपना बढ़िया सा पेस्ट ग्रेवी के अंदर डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। गैस ऑन करके मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी। घी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे से तेज पत्ते लिए हैं, 1 चक्रफूल, 7-8 काली मिरे, 1 छोटा पीस दालचीनी का, 5 लौंग, 4 हरी इलायची। इन सारे मसालों को हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है लो फ्लेम पे। तो अब बारी आती है इसके अंदर ये मैरिनेट चिकन डालने की, जिसे हमने 1 घंटे तक फ्रिज के अंदर रखा था। तो सारा मैरिनेट चिकन मैंने ये सारे मसालों के साथ कुकर के अंदर डाल दिया है। तो अभी आपको करना क्या है, इसके अंदर ये समय पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि हमने चिकन मैरिनेट करते समय दही डाला है, तो दही के अंदर से पानी निकलता है, चिकन के अंदर से भी पानी निकलता है। तो बस इसे हमें इसके अंदर का पानी सूखने तक भून लेना है। तो जब भी आप चिकन को भूनते हैं तो लो से मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे भूनना है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे चिकन भूनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे घी निकलना शुरू हो गया है, इसका मतलब आपने मसाले अच्छी तरह से भुने गए हैं। तो अब बारी आती है इसके अंदर ये पिसा हुआ पेस्ट डालने की। तो यहाँ पे मैंने सारा तली हुई प्याज और काजू बादाम का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है, तो इसे हम मिला लेते हैं। वैसे तो हमेशा चिकन कोरमा बनाते समय इसके अंदर केवड़ा वाटर, केसर, जावित्री, जायफल का पाउडर भी डाला जाता है, पर मैंने नहीं डाला है। बहुत ही सिंपल और सरल ये चिकन की रेसिपी बनाई है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप गर्म पानी ताकि इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी बने, ये देखिए। तो बस मैंने 1.5 कप गर्म पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3-4 सीटी आने तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अपना चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। तो कुकर के अंदर का सारा प्रेशर निकलने के बाद इसे मैं खोल के देख रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आया है और घी भी ऊपर दिखने लगा है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक सर्विंग बोल के अंदर निकाल लेंगे।
इस गर्मा गर्म चिकन कोरमे को आप गार्लिक बटर नान के साथ खा सकते हैं। इससे पहले मैंने गार्लिक बटर नान कैसे बनाते हैं वो भी बिना तंदूर के, तो उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। आप चाहे तो इसे तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ परोस कर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। आप यहाँ पर इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और बढ़िया बन के तैयार है। और ये जो हमने बचा के रखी थी तली हुई प्याज, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देते हैं। तो आपने देखा ये जायकेदार चिकन कोरमा बनाना कितना आसान है। अगर आपको ये मेरी आज की चिकन कोरमे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप चाहे तो इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। आपके स्क्रीन के ऊपर दी गई मेरी रेसिपी के लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं।